बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंग्लिश के लेसन एपिसोड में आज हम पहले कर्सिव राइटिंग का एम से स्टार्ट करेंगे। कर्सिव राइटिंग के एम से स्टार्ट करेंगे। ये कर्सिव राइटिंग का एम है। नीचे से ब्लू लाइन, नीचे की ब्लू लाइन से ऊपर जाना है, क्रॉस ऊपर जाना है, नीचे क्रॉस आ जाना है, ऊपर क्रॉस जाना है और नीचे आके थोड़ा सा ऊपर लेना है। ये कर्सिव राइटिंग का एम है। ये कर्सिव राइटिंग का एन, छोटा सा कर्व लेना है, क्रॉस ऊपर जाना है, नीचे आ जाना है, ऊपर जाना है और इस तरह पलट के ऊपर जाना है। ये एन है, कर्सिव राइटिंग का एन है। ये रेड लाइन से ब्लू लाइन तक आना है, नीचे आना है, नीचे आके ऊपर जाना है और इस तरह राइट हैंड की तरफ पलट जाना है। ये ओ है, कर्सिव राइटिंग का ओ है। ऊपर की रेड लाइन से नीचे आना है, नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर की रेड लाइन पे जाना है और फिर नीचे की ब्लू लाइन तक आके फिर उसको कर्व करना है। ये पी है। ये क्यू, ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर जाना है और ऊपर की ब्लू लाइन से नीचे आके फिर नीचे की ब्लू लाइन पे आके ऊपर की ब्लू लाइन तक जाना है। ये कर्सिव राइटिंग का क्यू है। आर, नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर जाके रेड लाइन तक जाना है, नीचे की ब्लू लाइन पे आना है और फिर नीचे क्रॉस आते हुए नीचे की ब्लू लाइन तक आना है। ये कर्सिव राइटिंग का आर है। ये कर्सिव राइटिंग का एस है। नीचे की ब्लू लाइन से ऊपर की रेड लाइन तक जाना है, हाथ को पलटाना है, लाइट पलटाना है, लाइट पलटा के नीचे की ब्लू लाइन तक लाके कर्व बनाना है और फिर उसको भी अंदर से इस तरह कर्व बनाना है। ये कर्सिव राइटिंग का एस है। ये कर्सिव राइटिंग का टी है। नीचे से रेड लाइन के नीचे से हल्का सा कर्व लेके उसी के ऊपर जाना है, ऊपर जाके सीधा नीचे थोड़ा सा क्रॉस होते हुए नीचे आना है और थोड़ा सा कर्व लेना है। ये टी है। ये यू, राइट, ऊपर की रेड लाइन से नीचे आना है, हल्का सा कर्व लेना है, नीचे की ब्लू लाइन पे आना है, इस तरह लेना है और ये इस तरह करना है। ये यू। वी, ऊपर की रेड लाइन पर से नीचे क्रॉस आ जाना है, नीचे आके क्रॉस आके फिर क्रॉस पलटना है, ऊपर जाके हल्का सा कर्व लेना है, छोटा सा कर्व लेके पलट जाना है। ये वी। W, ऊपर की ब्लू लाइन से छोटी सी कर्व लाइन लेना है, छोटी सी टेढ़ी लाइन लेना है, क्रॉस लाइन लेना है, नीचे क्रॉस आना है, ऊपर क्रॉस जाना है, नीचे क्रॉस आना है, फिर ऊपर क्रॉस जाके हल्का सा कर्व लेके पलट जाना है। ये W। X, ऊपर की ब्लू लाइन से ऊपर जाना है, रेड लाइन पे जाना है, हल्का सा कर्व लेके नीचे आ जाना है, नीचे आके थोड़ा सा कर्व लेके फिर ऊपर सीधा रेड लाइन पे ऊपर जाना है, फिर इधर से हल्का कर्व बनाना है। दो कर्व बनाने हैं, एक लेफ्ट हैंड की तरफ से और दूसरा राइट हैंड की तरफ से। ये एक्स। ये वाई, ऊपर की ब्लू लाइन से रेड लाइन पे जाना है, नीचे की ब्लू लाइन पे आना है, ऊपर जाना है और नीचे की ब्लू लाइन पे आके लेफ्ट हैंड की तरफ पलट जाना है। ये वाई। जेड, छोटी सी क्रॉस लाइन लेना है, सीधी छोटी सी लाइन लेना है, क्रॉस लाइन लेना है और इस तरह नीचे ब्लू लाइन तक आके फिर लेफ्ट हैंड की तरफ पलट जाना है। ये जेड, ये कर्सिव राइटिंग का जेड। ये हमारी पूरी ABCD, कर्सिव राइटिंग की भी ABCD, स्मॉल ABCD और कैपिटल ABCD, हमने तीनों ABCD लिखना सीख लिया है। अब आज हम क्या देखेंगे, जो अकेले अल्फ़ाबेट है जिनकी साउंड्स कैसी, जिनकी आवाज़ें किस तरह निकलती हैं, हम आज वो देखेंगे। सब बी, बी की आवाज़ बे की जैसी निकलती है। बेबी लिखना है, बॉल लिखना है तो हम कहें क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, BABY, बेबी, BALL, बॉल। तो बी की आवाज़ कैसे निकलती है, बे की तरह निकलती है। सी, सी की आवाज़ कभी को की निकलती है और कभी सीन की निकलती है। जैसा काउ,
पाव लिखना है तो सी ओ डब्ल्यू काउ, और साइकिल है तो सी वाई सी एन ई साइकिल, कभी सीन की और कभी काप की। डी, डी की आवाज़ कभी दाल की और कभी डाल की। द लिखना है टी एच ई, नहीं डी की आवाज़, डी की आवाज़ कभी दाल की निकलती है कभी डाल की निकलती है, जैसा डैडी, तो डैडी है तो हम क्या लिखेंगे डी ए डी वाई डैडी। एफ, एफ की आवाज़ फो की निकलती है, एफ की आवाज़ फो की तरह निकलती है। डी की आवाज़ कभी दाल की निकलती है कभी डाल की निकलती है। जी, जी की आवाज़ कभी गाप की निकलती है और कभी जी की निकलती है, जैसा गुड बोले तो जी डबल ओ डी गुड। और गोल, जी ओ ए एल गोल, कभी जी गाफ की और कभी जिम की, वो सेंटेंस वर्ड्स के हिसाब से, वर्ड्स के हिसाब से निकलती है। हमें याद रखना है कभी जी की आवाज़ गाफ की भी निकलेगी और कभी जिम की भी निकलेगी। एच, एच की आवाज़ हो की निकलती है, हॉर्स, तो हॉर्स में हम क्या लिखेंगे एच ओ आर एस सी हॉर्स, यानी हे की आवाज़ निकलती है, एच की आवाज़ हे की निकलती है। जे, जे की आवाज़ जिम की तरह निकलती है, जग लिखना है तो हम क्या लिखेंगे जे यू जी ई जग। जोक, जे ओ सी के ई जोक, यानी जे की आवाज़ जिम की निकलती है। के, के की आवाज़ काफ की निकलती है, के की आवाज़ काफ की निकलती है। एल की आवाज़ लाम की निकलती है, एल की आवाज़ लाम की तरह निकलती है। के की आवाज़ काफ की तरह निकलती है, जे की आवाज़ जिम की तरह निकलती है। बी की आवाज़ बे की तरह निकलती है, सी की आवाज़ काफ और सीन की तरह निकलती है। डी की आवाज़ दाल और डाल की तरह निकलती है। ये आवाज़ें हमें याद रखना है तो हमें लिखने में भी आसानी होगी और पढ़ने में भी आसानी होगी। इंग्लिश पढ़ने और लिखने के लिए हमें वो अल्फ़ाबेट के साउंड्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। एम की आवाज़ मीम की निकलती है, मम्मी, मून, तो हम क्या लिखेंगे एम लिखेंगे, मीम की निकलती है। एन की आवाज़ नून की निकलती है, ये अकेले अकेले अल्फ़ाबेट जो है सिंगल सिंगल अल्फ़ाबेट है जिनकी आवाज़ें ये निकलती हैं, इनकी आवाज़ नून की निकलती है। नेस्ट लिखना है, नोज़ लिखना है तो हम क्या लिखेंगे एन, एन ओ एस सी नोज़, एन ई एस टी नेस्ट, घोंसले को बोलते हैं। पी की आवाज़ प की निकलती है, जैसा पैरोट है पापा है तो हम क्या लिखेंगे पी लिखेंगे। क्यू की आवाज़ खाफ की निकलती है, क्योंकि आवाज़ किस तरह निकलती है खाफ की निकलती है। आर की आवाज़ रो की निकलती है, रो की आवाज़ आर की आवाज़ रो की तरह निकलती है। एस की आवाज़ सीन की तरह निकलती है। टी की आवाज़ तो और टो की तरह निकलती है। वी की आवाज़ वो की तरह निकलती है। एक्स की आवाज़ कर्सर, जैसा ज़ाइलोफोन, ज़ेरॉक्स, कर्सर, कस कस ज़ेरॉक्स, तो एक्स लिखेंगे हम। जेड की आवाज़ जुआद, जे, जाल और जोइन, इस तरह निकलती है। ये अल्फ़ाबेट के क्या है सिंगल अल्फ़ाबेट के साउंड्स हैं, इसे याद रखिए तो आपको पढ़ने और लिखने दोनों में इंग्लिश पढ़ने और लिखने में दोनों में आसानी होगी। अल्लाह हाफिज़।